दे रहे हैं सर। يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك लेकिन
एक दूसरा माना है ज़कात अदा के अंदर, वो है पाकीज़गी, पाक करना। पाकीज़गी के माना में ज़कात का लफ्ज़ पाकीज़गी के माना में इस्तेमाल होता है। इंसान अपना माल जब ज़कात निकाल देता है अपने माल में से, अब उसने वैसे तो हलाल कमाया, लेकिन कहां पर जूम हो गई, कहां पर भूल हो गई, कहां पर आपने कभी किसी को धोखा दे दिया था, या कभी कहीं पर आप जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे थे कि उसमें ऐसा लग रहा है आपको कि आपके हलाल कमाई के अंदर कहीं हराम की आमेजिश तो नहीं हो गई है, हराम शामिल तो नहीं हो गया है, तो अब आप ज़कात निकाल दीजिए। आप जब ज़कात निकाल देंगे तो अगर थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का अगर कुछ उसके अंदर इस तरीके की चूक आपको हो भी गई होगी तो अल्लाह तआला ज़कात निकालने की वजह से उस माल को पाक कर देगा, तो सारा माल हलाल हो जाएगा। और उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, जैसे एक इंसान उसके बदन पर मैल लगा हुआ, अब वो नहाने के लिए बैठा, उसने अपना पूरा बदन रगड़ा, पूरा बदन साफ किया, बदन साफ किया, मैल सारा छुटा दिया, सारा मैल निकाल दिया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, वो मैल निकलने से उसका बदन पाक हुआ या गंदा रहा? आप कहेंगे कि माली मैल जब निकल गया तो उसका बदन जो है पाक हो गया, साफ हो गया। इसी तरीके से जो ज़कात है, जब आप निकाल देते हैं तो जो भी माल का जो मैल कुचैल होता है वो सारा निकल जाता है और माल पाक साफ हो जाता है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बदन को रगड़ा, मैल निकाला, अब वो सारा मैल जब निकला तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे जिस्म से कुछ हिस्सा जा रहा है, हमारे जिस्म से कुछ जा रहा है, यानी मैल जा रहा है, जा तो किसी भी से रहा है, लेकिन उसका जाना आपके लिए अच्छा है। अगर वो रोका रहता तो आपके जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती, गया तो लेकिन उसका जाना अच्छा है, अगर वो रोका रहता तो जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती। इसी तरीके से माल गया तो लेकिन उसका जाना अच्छा है, अगर वो रोका रहता तो माल के अंदर खराबियां पैदा हो जाती। तो ये ज़कात के दो माना है, बढ़ना और पाक करना। अगर ये दो माना समझ में आ गए हो तो मैं बात आगे बढ़ता हूँ। रूम का बादशाह था हिराक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास से खबर भेजी कि इस्लाम लिया हुआ। उसने पता किया कि उस नबी के बारे में थोड़ी और जानकारी करना चाहिए, तो अपने फौजियों से कहा कि अगर मुल्क के अरब का कोई भी आदमी तुम्हें यहाँ मुल्क में उनके शाम में मिल जाए तो उसको मेरे पास से लेकर आना। फौजी ढूंढने गए तो मक्का से अबू सुफियान और उसके साथी जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, वो वहां मिल गए। पूछा कहां से आए? कहा मक्का, अरब से आए, मक्का से आए। कहा कि मक्का के अंदर जो नबी हुआ है जानते हो? तो लोगों ने कहा जानते क्या, ये चचा है उसके, उनका भी क्या खाना नहीं है ये सब। तो कहा चलो बादशाह बुलाया, बादशाह ने बुलाया, बादशाह ने पूछा ये बताइए वो जो नबी हुए हैं हमारे यहाँ वो तो मैं किस चीज का हुक्म देते हैं, किस चीज की तरफ बुलाते हैं? अब देखिए आप सब क्या कह रहे हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू सुफयान बादशाह के सामने कह रहे हैं या मुहम्मद सल्लत व ज़कात व सिदक व सिरत व अफाफ, वो नबी हमें हुक्म दे रहे हैं कि हम नमाज कायम करें और ज़कात को अदा करें। और मैं तो नबी का हुक्म है ज़कात देना, या एक आदमी आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक आदमी आया है आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए जिसको मैं करने लगूं अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से मुझे आजाद करके दूर कर दे। मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए जिसके करने पर अल्लाह का भला लगे, मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं ये चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया।
बहुत ही अहम चीज है जगह। और कुरान के अंदर नमाज के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की तरफ बुलाया गया है तो ज़कात की तरफ बुलाया गया, ज़कात ही कबूल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा रहीम है, रहमान है, रहम करने वाला है, रऊफ रहीम है, गफूर रहीम है, सबके ऊपर रहम करता है, रहमान रहीम है, रहमतें नाज़िल करता है, किसी के ऊपर खुश होता है तो रहमतें देता है, किसी से खुश नहीं है फिर भी उसको अपनी रहमतों से नवाज रहा है, आखिरत में उसकी पकड़ होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे कुछ खास बंदे हैं, मैंने उनके लिए लिख दिया कि मैं इनके ऊपर रहम करूंगा, दुनिया में भी करूंगा आखिरत में भी करूंगा। कौन है वो? अल्लाह के अगर नबी के जमाने में वो रस्सी
भी कुछ बड़ी चीज मान पड़ रही है कि 4 महीने का है, बड़ी का बच्चा है, उसकी कीमत होती है उसकी। लेकिन देखिए दूसरी रिवायत क्या है, बेकार के अल्फाज आए। अगर ऊंट की गर्दन में जो लस्सी डालते हैं वो लस्सी अगर जकात में निकल रही है और वो नहीं कह रहा है मना करना तो मैं उससे भी चढ़ जाऊंगा, उससे भी क्या इतने सख्त थे आपको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जकात के मामले में कि नमाज में और जकात में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के 5 सुकूनों में से अगर एक सुकून नमाज है तो दूसरा सुकून जकात है। ज़कात देने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुना रहा है। कुरान करीम का 18 पारा उठा कर देखो मुसलमानों, हमारी परेशानी यह है कि हम लोग कुरान को पढ़ते नहीं, न कुरान के तर्जमे को पढ़ते, और कभी मौका आ जाए इस तरीके का मस्जिद के लोग मस्जिद की कमेटी और इंतजामिया अगर ऐसा कोई इंतजाम कर दे कि जिसमें कुरान का कुछ तर्जमा और कुछ तफसीर सुनने का मौका नहीं जाएगा, तब भी भाग खड़े होते हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार है। कुरान करीम का 18 पारा उठा कर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है। अल्लाहुल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल्लाहि मुरीज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़कातिल फाइऊन। मोमिन लोग कामयाब हो गए, और आगे अल्लाह फरमाता है कि मोमिन कौन है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करते। अब आप पूछेंगे ये खुशू खुजू क्या चीज होती है, इसको मैंने 18 बारे की तफसीर में बताया था बड़े अच्छे तरीके से, आप उसको नेट पे सर्च कर लीजिए। आप लोगों को क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आती हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री नहीं हो पाते हैं दिन में रात में, तो थोड़ा सुनने का मौका मिल जाए। नेट पे अगर चला रहे हो तो निकाल लीजिएगा आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि खुशू खुशू क्या होता है। मैंने बताया था खाने वाले की तफसीर वो तो ये
जहरी का सांप होता है, बहुत बड़े और बहुत खतरनाक सांप माने जाते हैं। मुस्लिम चांदी खरीद सकता है तो भी उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। शर्त यह है कि इन तमाम चीजों को रखे हुए, सोने को, चांदी को, उस पैसे को रखे हुए एक साल गुजर चुका हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कल इतना पैसा आया और आज आपको ज़कात निकालना है, नहीं, और उस पैसे को एक साल जब पूरा हो जाएगा तब ज़कात निकालना है। वरना अगर जैसे ही पैसा आया वैसे ही ज़कात निकालना होता तो बड़ी परेशानियां हो जाती। परेशानी यह होती जैसे मान लीजिए आपके पास कल पैसा आया और आपको किसी को देना है पैसा, जैसे आपके पास में 2 लाख रुपए है, अब आपको आज किसी को पैसे देना है, कल आए थे आज आपने दे दिए, पता चला आपकी बस ज़कात फर्ज़ हो गई, अब आप ये नहीं करें मेरे पास सामान लाया था मेरे को ज़कात फर्ज़ हो गई, मैं ले नहीं सका। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी की है कि एक साल हो गया वो सामान को रखे हुए। बस मैंने ये बात, इसके बाद ये देखते हैं कि किनको दी जाएगी ज़कात, ज़कात किसको दी जाएगी, ये लास्ट चीज आपको बता के बात खत्म करता हूँ। ज़कात किनको दी जाएगी, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 नाम गिनाए हैं कुरान के अंदर, 8 नाम। कौन कौन? एक नाम सलवातु लिल फुकरा वल मसाकीन, पहला नाम है फकीरों के लिए। फकीर कौन है? फकीर वो है जो परेशान हो और लोगों को बता दे, लोगों के सामने जाए, दरवाजे दरवाजे पर जाए और लोगों से मांगे उसको फकीर अल्लाह ने कहा कि ये भी फकीर इनको दिया जाएगा ज़कात का वाले को दिया जा सकता है। वल मसाकीन, और मसाकीन भी वो है जिसके पास उन रास्तों के अंदर रिसर्च किया जा सकता है।
स्टैंप हैंड स्टैंप से ज्यादा बेहतर है, तो आप इसका उसको भी पैसा दे सकते हैं। इस तरीके से आठ मसाले होते हैं। इन आठों में से आठों में क्या है आप दे दीजिए, कोई एक में क्या है तो दे दीजिए। अब आज के दौर में और खास तौर से आपके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसका इंतजाम किया गया। आपको अपना ज़कात का माल लेकर दर दर भटकने की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। बैतुल माल खोल दिया गया, बैतुल माल खोल दिया गया है, पूरे ईमानदारी के साथ में आपका पैसा मुस्तहिकीन के पास में पहुंच रहा है। तो आप फकीरों को ढूंढने, मिसकीनों को ढूंढने, मुसाफिरों को ढूंढने के लिए अब आप स्टेशन पर बैठ जाए भले बात टिकट लेकर के देखे भाई और ये एक से मुझे भी आपकी जेब तो निकट गई, मुझे ज़कात का पैसा देना है आपको। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बैतुल माल आपका सफा होने के अंदर खुला हुआ है। आप जाइए अपना ज़कात का माल दीजिए। और मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि मुस्तहिकीन के पास में ज़कात का माल पहुँच रहा है, इमदाद पहुँच रही है। और इस तरीके से आप बैतुल माल के अंदर आप देंगे तो इंशाल्लाह आपका पैसा वहाँ से मुस्तहिकीन तक पहुँच जाएगा। ये चंद चीजें मैंने ज़कात के ताल्लुक से आपके सामने रखी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन। अकुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरु लिरब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन। अकुलु क़ौली نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم